देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। आज ही अंतर्राज्यीय बस अड्डे में भाटा गांव में एक महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है। कल ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि भिलाई में डीपीएस स्कूल में एक बच्ची के साथ दुराचार होता है, उसे किस प्रकार से दबाने की कोशिश हो रही है। केस काल में एक महिला के साथ रेप होता है और 20 दिन बाद FIR हो रहा है। ऐसी अनेक घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है और सरकार या पुलिस जो है उसे दबाने की कोशिश कर रही है। घटनाएं घटती है लेकिन उसमें त्वरित कार्रवाई हो जाए तो इसमें एक कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पुलिस खुद ही, दुर्ग एसपी खुद ही, वो पालक भी बन जाते हैं, वो एसपी भी बन जाते हैं और उसके बाद जज भी बन जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपके संज्ञान में जैसे आए सबसे पहले आपको FIR करना है, जांच बाद में करना है। आपने जांच FIR किया नहीं, जांच कर ली और मीडिया को भी धमकाने का काम कर दिया और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी धमकाने का काम कर दिया, डराने का काम कर दिया। तो ये ऐसी स्थिति सब जगह बन रही है। जिस प्रकार से लक्ष्मी राजवाड़े की जेठ, किस प्रकार से जो पुलिस कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन किया उसको हटा दिया गया। आज पता चला कि जब ये मीडिया में जब बात आई तो FIR कर रहे हैं। कल ही किस प्रकार से दोंदे कला की घटना के बारे में प्रेस से जैसे बात किया तब जाके थानेदार लाइन अटैच हुआ, जबकि आज उसको दसगात्र है। तो घटना घटे तो 10 दिन हो गया, पुलिस सरकार सोई हुई थी। आज प्रदेश अध्यक्ष ने बाइट दी तब जाके FIR दर्ज हुआ भाटा गांव बस टर्मिनल में, और गैंग रेप को रेप बता रहे हैं। तो ये इस प्रकार से जो बातें, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरे प्रदेश में पुलिस है वो अपराध को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक। अब जब कल हम लोगों ने सारे सीनियर लीडर, उसमें रवि चौबे जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण शर्मा जी, श्री डहरिया जी, तमाम नेता बैठ के इस मामले में जब चिंता जाहिर की तो मुख्यमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से जिम्मेदारी पूर्वक जवाब आना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के द्वारा बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आप जवाब दे रहे हैं। आपके सरकार में ऐसा होता तो डिबेट के लिए हो सकता कि मेरे सरकार में तुलना आप कर लो, लेकिन भाई हम अभी तो आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको कार्रवाई करना है। जब आपके संज्ञान में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, पॉक्सो एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट में ये कहा जाता है कि आपको पहले FIR लेना है, उसमें क्या कार्रवाई किए हैं? और ये जब कार्रवाई नहीं किए और दाएं बाएं करने लगे CM और डिप्टी CM, तब जाके हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा, समय मिलने का समय मांगा है और मुख्यमंत्री भी समय मांगा है कि इस प्रकार से यदि बच्चों के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। अब रायगढ़ की घटना में हमारे जो महिला विधायकों की टीम गई उसे मिलने तक नहीं दिया गया। OP चौधरी जी जो बहुत बड़े मंत्री के क्षेत्र का मामला है, न मंत्री गए हैं उस आदिवासी महिला से मिलने, नहीं सरकार के तरफ से कोई उचित कदम उठाया गया है। अब जो गए भी हैं, जांच दल गया है, उसे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति इस प्रदेश में, तो अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में है। इस मामले को लेकर आज NSY मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, लगातार इस पूरे प्रदेश में इस प्रकार से आंदोलन और बढ़ेगा।